श्री सुखदेव जी महाराज मुस्कुराते हैं। ऋषियों ने कहा आसन ग्रहण करिए। सुखदेव जी महाराज आसन पर बैठते हैं और बोलते हैं, भगवत दर्शन ही श्रेष्ठ साधन है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित तुम्हारे पास तो अभी 7 दिन का समय है। महाराज खटवांग इक्ष्वाकु वंश में बड़े ही प्रतापी राजा हुए, जो त्रेता से द्वापर तक राज्य किए। बड़े ही प्रतापी महाराज दशरथ की तरह कहते हैं कि देवता भी उनसे सहयोग लिया करते थे, इतने प्रतापी थे वो। देवता लोग भी उनसे सहयोग लिया करते थे। वो खटवांग महाराज एक बार देवताओं को सहयोग किए, दैत्यों के संग्राम में उनको विजय करवाए, तो देवताओं ने उनसे कुछ मांगने के लिए कहा। खटवांग जी महाराज ने सोचा, कभी थोड़े देर पहले तो हमसे कुछ मांग रहे थे, अब हमको कुछ देने के लिए बोल रहे हैं। खटवांग महाराज ने देवताओं को सहयोग किया। देवताओं ने कहा, महाराज इंद्र ने कहा, आप हमसे कुछ बोलिए, कुछ मांगिए। बोले क्यों? बोले हमें समझ में नहीं लग रहा है मैं आपको क्या दूं। आपने बड़ा उपकार किया है हमारे ऊपर। खटवांग जी बोले, राजन इंद्रदेव, मैंने किसी इच्छा से आपका उपकार नहीं किया है, आप हमारे मित्र हैं, यही बहुत पर्याप्त है। अगर आप कुछ देना ही चाहते हैं तो बस इतना बता दीजिए कि मेरी मृत्यु कब होगी। ऐसा कोई पूछता है किसी से? कोई नहीं पूछता। श्री राधे। कोई किसी से नहीं पूछता कि मैं मरूंगा कब मरूंगा, बता रहा। खटवांग महाराज ने पूछा। क्यों पूछा? रघुवंशी राजा थे, भगवान राम के वंश में थे। नारद जी ने उन्हें ज्ञान दिया था। कौन सा ज्ञान? नारद जी ने सिखाया कि खटवांग सदैव मृत्यु को अपने करीब देखना। मृत्यु को कहाँ देखना? अपने करीब। महाराज खटवांग ने बोला कि इंद्र आप सोच में मत पड़िए। इंद्र बोले, महाराज तुरंत यमराज भी वहाँ पहुँचे, चित्रगुप्त भी पहुँचे, पोथी खोले, बोले महाराज अब से लेकर के आपके पास 2 घड़ी है। कितना समय है? 2 घड़ी। 2 घड़ी के बाद आप मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। इंद्र ने कहा, भाई मित्र मैं आपको अमृत पान करवा देता हूं, मेरे पास अमृत है। खटवांग ने कहा, मैं अमृत नहीं पीऊंगा। अमृत का परित्याग कर दिया खटवांग ने। जानते हैं क्यों? अमृत पिए रजोगुणी होवे, रहे प्रभु से दूर जी।
ऐसी अमृत किस काम की, जिससे न मिले हजूर जी। जिससे अपने मालिक की प्राप्ति ही ना हो ऐसी अमृत किस काम। महाराज खटवांग ने बोला, नहीं नहीं मैं अमृत नहीं पीऊंगा। बोले क्या करोगे? बोले बस मृत्यु लोक में जाऊंगा, वहां से तुरंत मृत्यु लोक को प्रस्थान कर गए, मृत्यु लोक में आ गए। और आकर के अपने सभी सिरहत जनों को मिले, मिलके बोले दो घड़ी में अब मेरी एक घड़ी खत्म हो गई, अब मेरे पास एक घड़ी है। राजपाट सब पुत्र बिठाए, राजपाट सब पुत्र बिठाए, और सब कुछ किए दान जी, और सब कुछ किए दान जी, सारा संपत्ति त्याग कर के, सारा संपत्ति त्याग कर के, हृदय ध्याए भगवान अनुसंधान जी, मंत्र किए अनुसंधान जी, सबके देखत सबके आगे, सबके देखत सबके आगे, सबके देखत सबके आगे, सबके देखत सबके आगे, प्रगट भए भगवान जी, प्रगट भए भगवान जी, दंड प्रणाम किन राजन ने, दंड प्रणाम किए राजन ने, मांगा एक वरदान जी, मांगा एक वरदान जी, जहां भी जाऊं जहां भी सबके देखत सनिक सा, दिव्य चिन्मय प्राण जी, दिव्य चिन्मय प्राण जी, दिव्य चिन्मय प्राण,
कंठ से प्रभु पार्षद आए, श्री वैकुंठ से प्रभु पार्षद आए, लेकर दिव्य विमान जी, लेकर दिव्य विमान जी, राजा बैठा जाए विमान में, राजा बैठा जाए विमान सुमिरन कर, कारत अपने को